नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरा राशन ऐप के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना मेरा राशन ऐप को अपडेट कर लिए, अगर आप अपडेट कर लिए तो आप यहाँ पर जब लॉग इन करने जाते हैं तो आपका लॉग इन नहीं होता है। कभी कभी आपका ओटीपी वेरिफिकेशन, अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी चला भी जाता है, जब ओटीपी फिलअप करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है। और यहाँ पर आपके मोबाइल पर जब यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं, कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है। तो यहाँ पर इस दोनों प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे आपको मेरा राशन ऐप में आपको लॉग इन करना है, जो मेरा राशन ऐप 2.0 आया है उसमें कैसे लॉग इन करना है, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आपको सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, सारा प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताने वाले। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको अगर मेरा राशन ऐप लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम अपना मेरा राशन ऐप ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पहले से किए, अगर आप नहीं किए तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं मेरा राशन, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने इस तरह से मेरा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बोल रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मेरा राशन आपको नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने वाला आपके सामने इस तरह से मेरा राशन में यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन है, बेनिफिशरी यूजर और डिपार्टमेंट यूजर। अगर आप यहाँ पर, आपको डिपार्टमेंट यूजर आपको सेलेक्ट नहीं करना, ये जो राशन कार्ड का डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पर वो करेंगे, आप यहाँ पर बेनिफिशरी हैं, अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तभी आप अपना आधार नंबर से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेनिफिशरी पर सेलेक्ट करने देते हैं और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे और नीचे कैप्चा यहाँ पर शो करेगा। फिर यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। हम आधार नंबर फिलअप कर दिए, नीचे कैप्चा शो करा, इस कैप्चा को भी फिलअप कर दिए। फिर यहाँ पर हम लॉगिन विथ ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तब आपको यहाँ पर वेट करना है आपका, यहाँ पर जब तक आपका ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड नहीं हो जाता। तो चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। कभी कभी का आपको अननोन इस तरह का यहाँ पर भी, यहाँ पर जब आप यहाँ पर गेट लॉगिन विथ ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपको अननोन इस तरह का यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा कि आपको यहाँ पर लॉगिन होगा। आपको फिर से क्या करना होगा, आपको फिर से यहाँ पर हम कैप्चा डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों लॉगिन कर रहे, देख रहे हैं हम कितना देर में यहाँ पर लॉगिन होता है। तो अब आपको हम यहाँ पर बताते हैं आपको कितना देर वेट करना होगा। देखते ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो चुका, हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ओटीपी वेरीफिकेशन, यहाँ पर मेरे फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी को क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ओटीपी फिलअप कर देते हैं। पर हम ओटीपी फिलअप कर दिए, फिर आपको वेरीफाई वाले पर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई पर क्लिक करने बाद इस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग लगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेकंड आपको फिर से यहाँ पर वेट करना होगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। ओटीपी हम फिलअप कर दिए थे, वेरीफाई किए थे, मेरा यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ। तो आपको फिर से क्या करना है, रिसेंड कोड पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपके मोबाइल पर फिर से यहाँ पर कोड सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना, उस कोड को यहाँ पर फिलअप करके आपको नीचे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम वेट करते हैं, मेरा यहाँ पर सेकेंड ओटीपी जो आता है उस ओटीपी को फिलअप करके हम वेरीफाई पर क्लिक कर। तो दोस्तों यहाँ पर देख, मेरा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा ओटीपी क्या हुआ, यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका। हम आप क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करना है, इस तरह से प्रोसेसिंग लगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से आपको कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। दोस्तों अभी हम अपना 20 मिनट से दोस्तों लॉग इन करें, तब मेरा यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर काम करना है इसमें तो आपको 10 से 15 मिनट आपको देना ही होगा लॉग इन प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, हम फिर से कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करते हैं। कुछ देर वेट करने बाद आप यहाँ पर आपका जब ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको कुछ देर वेट करना है, फिर आपका यहाँ पर क्रिएट एम पिन का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 अंक का अपना एम पिन बना लीजिएगा। वही एम पिन जब आप यहाँ पर मेरा राशन ऐप ओपन कीजिएगा तो आपको दोबारा लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपना एम पिन डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एम पिन डाल के आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपको री इंटर एम पिन, वही एम पिन आपको डाल के आपको क्रिएट एम पिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से योर एम पिन डज, यहाँ पर योर एम पिन कोड हैज बीन सेव, इस तरह से सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने बाद आप इस तरह से यहाँ पर देखते हैं मेरा राशन ऐप में लॉगिन हो जाएगा। इसमें बहुत सारा सर्विस दिया गया, आप यहाँ पर देखते हैं मैनेज फैमिली डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ऐड फैमिली मेंबर करने का ऑप्शन आएगा। चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आप जो भी नाम से लॉग इन किए, नाम शो करेगा, होम, मैनेज फैमिली डिटेल, राशन का इंटीमेंट, यहाँ पर सरेंडर आर से यहाँ पर अपना राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, अपने राशन कार्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ट्रैक माई राशन कार्ड, आप जो भी इसमें काम कीजिएगा उसको ट्रैक करने के लिए ट्रैक माई राशन कार्ड पर क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं। आपको कुछ भी रिलेटेड यहाँ पर
आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, तो आप माई ग्रीवेंस करके अपना उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अब जितना भी काम कीजिएगा उसका हिस्ट्री आप यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा राशन कार्ड यहाँ पर जो मेरा राशन 2.0 ऐप जो आया है उसमें अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपको 20 से 30 मिनट देना होगा लॉगिन करने के लिए, तभी आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपको 20 से 30 मिनट देना होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर तुरंत लॉगिन चाहिए तो आप यहाँ पर रात में अपने 12 बजे से 3 बजे के बीच कीजिएगा तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है तो आपको इसमें टाइम देना ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।